भर की एयरलाइंस के सर्वर में परेशानी आ गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्लाइट सर्विस पर इसका असर पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते ये परेशानी आई, जिसकी वजह से चेक इन सिस्टम, टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया की कई एयरलाइंस और उसके यात्री मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कई अमेरिकी एयरलाइंस ने तो अपनी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री परेशान हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, भीड़ बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पर मुंबई और दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, टेक्निकल यहां पर खामी है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग, चेक इन, ये सब कुछ बाधित है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये तकनीकी खामी आई है और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो इंडिगो हो या फिर स्पाइस जेट हो, तमाम एयरलाइंस यात्रियों को मैसेज भेज रही है, उनको सूचित कर रही है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी मैसेज जारी किया है और तमाम यात्रियों को ये जानकारी दी है कि अगर आप एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं या आप अभी यात्रा करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। तो कौन कौन से एयरलाइंस प्रभावित हुए हैं ये लगातार हम डिटेल्स आपको देख रहे हैं। देखिए, स्पाइस जेट की तरफ से जानकारी दी गई, इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है, और अमेरिकन एयरलाइंस ने तो अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया है। आकाशा की तरफ से भी जानकारी दी गई है। तो ये डेल्टा एयरलाइंस है, टर्किश एयरलाइंस है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, जो इससे प्रभावित हुई है एयरलाइंस, वो इस वक्त हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आप भी इससे सफर कर रहे हैं और आज के दिन की आपकी फ्लाइट है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिगो, स्पाइस जेट और अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ से डिटेल्स शेयर की जा रही है अपने पैसेंजर्स को, जो फ्लाइट आज बोर्ड करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत देखिए, लैंडिंग और टेक ऑफ में भी परेशानी आ रही थी, क्योंकि सर्वर ही पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सर्वर में दिक्कत की वजह से दुनिया में परेशानी बढ़ चुकी है। और आपको बता दें, इस सबको लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अब एक आपात बैठक बुलाई है। इस पूरी जानकारी को हम आपको बता रहे हैं किस तरह से, देखिए, सर्वर में दिक्कत आई है और दुनिया भर में अलग अलग देशों में किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो अब इसको लेकर सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। कई यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ कई एयरलाइंस जो है वो भी इससे प्रभावित है और यात्राएं जो है वो अब लेट होंगी। तो इससे जुड़ी ये जानकारी, इंडिगो, स्पाइस जेट, अमेरिकन एयरलाइंस, ये वो तमाम एयरलाइंस है किस तरह से आप देखिए बाधित है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी का, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी, मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या हालात? अंकुर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है, मुंबई एयरपोर्ट से क्या तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं? यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पैसेंजर्स को किस तरीके से अवेयर कराया जा रहा है, क्या व्यवस्था की गई है जो लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं? तो देखिए, लौटेंगे अंकुर के पास, लेकिन इससे पहले बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर ही हमने देखा था, ये जानकारी सामने आई थी किस तरह से तकनीकी खामी आई थी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में। और इसके बाद आप देखिए तमाम जानकारी यहां पर, तो लगातार एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बैंकिंग से लेकर शेयर बाजार तक इसका असर देखने को मिला है। प्रिया, बिल्कुल, देखिए शेयर मार्केट अब से कुछ देर के बाद मार्केट भी बंद होने वाला है, और उसके पहले ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सब कुछ ठप हो जाना, ये देखिए मानो दुनिया भर की रफ्तार थम सी गई है। तो आइए आपको हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्लाउड सर्विस है उसके अंदर, जिसका टेक्निकल ग्लिच आया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस बात का असर पड़ रहा है, चाहे वो एयर ट्रेवल ऑपरेशंस हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, और असर इतना ज्यादा है कि खासतौर पर मैं बात करूँ मुंबई के T2 ऑपरेशंस के अंदर की तरफ, वहाँ पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी चेक इन जो फैसिलिटी है उसमें लंबी लंबी कतारें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए इस वक्त मिल रहा है। अंदर के साइड में मैं आपको दिखाऊं, जो क्यूज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अंदर इस बात को लेकर, चेक इन को लेकर प्रेशर पड़ता जा रहा है। क्या नाम है आपको? जी राजेश। कहाँ से राजेश आप? मैं रायपुर से। यहाँ मुंबई से जा रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ, मैं रायपुर ट्रेवल कर रहा हूँ। कौन सी फ्लाइट है? मेरी इंडिगो की फ्लाइट है, और मैं पैनिक में हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अभी अभी इंडिगो ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, आप देख रहे हैं, मुझे मैं ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा, लाइन लंबी है। तो मैं किस बात का है, मैं ये जानना चाहता हूँ किस बात का? अभी मुझे खबर मिली कि इंडिगो ने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि उनके सिस्टम में कुछ ग्लिच आया है, जिसके कारण लोगों की फ्लाइट मिस हो रही है, लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो मुझे जब सूचना मिली, मैं भाग के आया हूँ कि ये फ्लाइट मिस नहीं हो जाएगा। रायपुर की मुझे कोई दूसरी फ्लाइट लग नहीं रही, और ये भीड़ देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। तो इफ यू कैन स्पेयर मी। अच्छा, आप पेशे से यहाँ पर काम करते? नहीं, मैं ट्रैवल किया था,
ऑफिशियल पर्पज से और अभी मैं वापस हो रहा हूँ। अच्छा तो देखिए ये जो कन्फ्यूजन है जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, जितना भी ट्रेवल आप एडवाइजरी इस पर देख रहे हैं, लगातार जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी यहाँ पर इशू कर दी है, चाहे इंडिगो हो और चाहे जितनी भी कंपनियाँ हों उनकी तरफ से ट्रेवल एडवाइजरी इशू की गई है और ये हड़कंप है, ये पूरी दुनिया में है इस वक्त। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्विस है उसमें जो टेक्निकल ग्लिच आया है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होने वाली जो कई सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एयर ट्रैवल ऑपरेशंस हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनमें इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और हड़कंप लोगों के बीच में है। लोग जो हैं वो ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब यहाँ से कैसे इस ऑपरेशन को स्मूथ बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद गरुड़ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो इस बड़ी खबर पर सीधे हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए, प्रशांत झा और वही साथ ही साथ अंकुर त्यागी। अंकुर, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से आपकी हमने सारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, इस वक्त मौजूदा हालात वहां पर क्या है? देखिए सीधी तस्वीरों के साथ मैं आपको स्थिति समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। T2 ये एयरपोर्ट का जो T2 टर्मिनल है यहाँ पर अभी से जो और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो एक्चुअली चेक इन फैसिलिटी है वहाँ पर हो रहा है। जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं उनके जो चेक इन फैसिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा रश देखने के लिए मिल रहा है और जो जब से एडवाइजरी आई है हर कंपनी की तरफ से तब से ये जो रश है ये बढ़ता जा रहा है। जो कन्फ्यूज़न है, आप लोग कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? अहमदाबाद। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ कंफ्यूजन है। अभी देखिए यहाँ पर ये सर, आप कहाँ से हैं? ऑपरेशन में दिक्कत है? ऑपरेशन में दिक्कत है। पैसेंजर को कोई नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन में दिक्कत आने नहीं आ रही, ऑपरेशन में दिक्कत आ रही नहीं आ रही। लोगों को प्रॉब्लम है, अंदर है नहीं है तकनीकी दिक्कत से दुनिया भर में परेशानी हो चुकी है और ये परेशानी बहुत बड़ी है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी दिक्कत आ गई है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर डाउन हुआ, ये क्लाउड सर्वर, जिसकी वजह से हर तरफ परेशानी बढ़ गई है। तकनीकी दिक्कत से दुनिया भर में परेशानी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हमारी टीम परेशानी को सुलझा रही है, ये कहना है स्पाइसजेट का। बिल्कुल, तकनीकी दिक्कत से दुनिया भर में परेशानी हो चुकी है और इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ पटना एयरपोर्ट के बाहर से मौजूद हैं, सीधे उनका भी हम रुख कर लेते हैं और दिल्ली से भी अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रशांत, पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। पटना का जितना भी क्राउड है वो सिर्फ एक पटना ही नहीं, बिहार के सारे क्राउड को, आसपास के जिलों को पटना एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। लोग वहां बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लाइट्स लगातार वहां से होती हैं अलग अलग शहरों की, ना सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं। व्यवस्था क्या की गई है? देखिए जैसे ही ये सूचना मिली है उसके बाद आपको पटना एयरपोर्ट का आपको हम हाल दिखा देते हैं पहले कि यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर भी सही जानकारी यात्रियों को नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक सज्जन है, ये बताइए कितना फ्लाइट लेट हो गई है? नहीं, 1:10 कहा था मुंबई वाला, जो 673 था वो 1:10 का टाइम था, लेकिन हमको ये नहीं मालूम पड़ा कि वो आधा घंटा के बाद यहाँ बताया कि डिले है। उससे पहले ही बता सकते थे ना कि हाँ डिले इतना फ्लाइट। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो होता ही है ना पैसेंजर को। देखिए मैं आपको ये भी और भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो पैसेंजर्स की भीड़ है जो यहाँ से जाने वाले। बिल्कुल प्रशांत, देख पा रहे हैं हम कैसी स्थिति हो गई है, लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन लोगों के लिए, उन फ्लाइट्स के लिए जो इस वक्त ट्रैफिक में है, ना लैंडिंग हो पा रही है और टेक ऑफ तो अब रोक दिया गया है, कई जगह फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, सर्वर ठप हो चुकी है। और ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। हर जगह जो फ्लाइट है जहां है ट्रैफिक में, शिवांगी इस वक्त फंसे हुए हैं लोग, ग्राउंड पे लोगों को समझाया जाएगा टेक ऑफ नहीं होगी लेकिन लैंडिंग को लेकर के क्या लोग। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि एयर ट्रैफिक जो है वो किस तरह से, जो लोग हैं अभी फंसे हुए हैं, साथ ही वेब चेक इन की बात हमने की थी इससे पहले, पूछा था कि क्या करना है कैसे करना है, जानकारी लगातार साझा की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, एयर ट्रैफिक की इन तस्वीरों को आप देखिए, और जो लोग एयरपोर्ट पर है कम से कम उन्हें सूचना तो मिल रही है कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग इस वक्त एयर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उनका क्या, उनकी लैंडिंग कब होगी, किस तरह से, उनको कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है और तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये दुनिया भर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अपने आप में ये बहुत बड़ा
ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। ये एयर ट्रैफिक आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वो तमाम फ्लाइट है जो हवाओं में इस वक्त फ्लाइट है, जो अभी चल रही है एयर ट्रैफिक है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रिया दिक्कत हो रही है, यात्रियों को परेशानी हो रही है, चेक इन में खास दिक्कत हो रही है। तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी ज्यादा क्योंकि जानकारी साझा की जा रही है, लेकिन प्रिया ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, लॉस एंजलिस का ये एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है और किस तरह से यहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश हो गया है, दुनिया भर में इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पैसेंजर्स को आप देखिए, हालांकि जो अभी यात्रा कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एयर ट्रैफिक दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो एयरपोर्ट पर है यात्री उनको जरूर दिक्कत हो रही है। प्रिया बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है, लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, सर्वर ही डाउन है, टेक्निकल फॉल्ट है, और जब टेक्निकल फॉल्ट होता है तो स्थिति ऐसी हो जाती है, आप निर्भर हैं एक मशीन पर, एक सॉफ्टवेयर पर, और वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से अमरीश इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दिल्ली एयरपोर्ट विश्व भर का, न सिर्फ देश का बल्कि विश्व भर के व्यस्ततम एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है। अमरीश, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है? जो फ्लाइट्स इस वक्त लैंड नहीं कर पा रही है उसको लेकर के कोई जानकारी सामने आ रही है? अमरीश देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी स्थिति कमोबेश वैसी है जैसी गोवा और मुंबई एयरपोर्ट पे है। वजह यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी सिस्टम का 70% हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम को लेकर ही ऑपरेट किया जाता है। उसमें कई सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स हैं, सर्वर सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में वो तमाम ग्लोबल आउटेज की वजह से वो तमाम सिस्टम प्रभावित है, लिहाजा यात्रियों के चेक इन से संबंधित, पैसेंजर के अपडेट से संबंधित, फ्रेट से के अपडेट से संबंधित, इवन फ्लाइट्स के आने और जाने, अराइवल और डिपार्चर से संबंधित कोई भी दिक्कत को सही समय पर अपडेट नहीं किया जा पा रहा। यही वजह है कि एयरलाइंस लगातार कह रही हैं कि आप अपने साथ एक समय लेकर चलिए क्योंकि हमें चेक इन में ही दिक्कत हो रही है, और तब तक कोई भी लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सर्वर में दिक्कत से पूरी दुनिया परेशान है और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको लेकर आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, देश ही नहीं बल्कि आप देखिए दुनिया भर में सर्वर में दिक्कत की वजह से किस तरह से परेशानी हो रही है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है, पैसेंजर्स अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर आपात बैठक बुला ली गई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक देश नहीं, विश्व भर में यह मुसीबत आई है, क्योंकि सारे विश्व के जो फ्लाइट्स हैं, जो सर्वर कंट्रोल होता है जिस ऐप के थ्रू, वो ऐप ही ठप हो चुका है, वो सर्वर ही ठप हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर है क्लाउड, और वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, और इस वजह से फ्लाइट्स को अब दिक्कत हो रही है, ब्लैकआउट हर जगह एयरपोर्ट पे, यात्रियों को कोई इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग एयरलाइंस के स्टाफ वहां पर मौजूद हैं, फ्लाइट से उन्हें कोई करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, और स्थिति कैसी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी या फिर कब टेक ऑफ करेगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं। बिल्कुल प्रिया, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर, अमरीश और प्रशांत। अंकुर आपका रुख करूंगी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है, परिस्थिति क्या है, आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यमन एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर भी कस्टमर्स को लगा दिया गया है कि वी आर करेंटली किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, और सॉरी कस्टमर्स करके एक नोट यहां पर लगाया गया है कि कैसे एक्सपीरियंस से वो गुजर रहे हैं, इंटरनेट इशू होने की वजह से सब कुछ हैंग हो चुका है, और यहां पर लोगों से पेशेंस बनाए रखने की अपील की गई है। तो देखिए तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंकुर त्यागी आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात क्या है इस वक्त वहां पर? देखिए फिलहाल जो हालात हैं मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये T2 के हालात हैं, और ये तो फिलहाल जो सिक्योरिटी का जो पहला लेयर होता है, जो एंट्री गेट है, वहाँ का ये सीन है फिलहाल। लेकिन अंदर मैं अगर कोशिश करके आपको दिखा सकूँ, जो क्योंकि जो रश हो रहा है वो चेक इन जो लाइंस हैं वहाँ पर हो रहा है, वो जो सिस्टम है एयर जो ट्रेवल ऑपरेशन का, वो चेक इन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के इस जो क्लाउड सर्विस के अंदर, जो जिस तरह का टेक्निकल ग्लिच आया है उसकी वजह से, और ये जो
भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, जब सब लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि जिस तरह का एडवाइजरी का सामने आना, एडवाइजरी के बाद लगातार इस पूरी दुनिया से इस तरह की खबरों का आना, यहाँ पे लोगों में कन्फ्यूजन है अंदर क्या परिस्थितियाँ हैं, ये अंदर थोड़ा अंदर की साइड में ये पूरा मामला चल रहा है इस वक्त। लेकिन जो मामला है टेक्निकल ग्लीच का, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सिस्टम्स जो सर्विस सिस्टम है उसमें, उसका असर सिर्फ हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस की दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। जो लोग हैं फिलहाल हमें बात नहीं करने दी जा रही है, जो यहाँ का जो ऑपरेशन अथॉरिटी है यहाँ की, वो फिलहाल लोगों से बात करने से रोक रही है। यहाँ पर इन्होंने लोग अपने जो सिक्योरिटी है वो भी इसीलिए तैनात कर दी ताकि मीडिया जो हो रहा है अंदर उसको ना दिखा पाए, लेकिन जो तस्वीरें हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं वो उस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल अंकुर, देखिए हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, कितनी ज्यादा लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं यहाँ पर। आपने बातचीत करने की भी कोशिश की और वहां पे जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, हमें भी बस इतनी जानकारी दी गई है। और ऐसे मौके में देखिए यात्रियों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि ये गड़बड़ी, ये जो कमी है, ये जो तकनीकी खराबी आई है, किसी एक एयरपोर्ट पर नहीं आई है, एक एयरलाइंस के साथ नहीं है, बल्कि विश्व भर में है। A lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the days, coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services, they are tweeting continuously. What do you think, how do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I am reading, online and I'm seeing their tweets that they are trying to, they have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps. And it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. It will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days, what steps they will take, and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future. तो राजीव चंद्रशेखर को आपने सुना और वो कह रहे थे कि किसी को भी यहां पर घबराने की जरूरत नहीं।